हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। सो क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन का न्यू ट्रेलर लॉन्च हो चुका है तो आज हम करने वाले हैं उसका ब्रेकडाउन। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो ट्रेलर स्टार्ट होता है एक बार से जो कि इस मूवी के नेम को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करता है क्योंकि यू नो वुल्वरीन और बार्स का बहुत ही पुराना रिलेशन है। सो इस बार में डेडपूल आता है वुल्वरीन को किसी मिशन के लिए रिक्रूट करने के लिए और वो उसे पीनट कहकर बुलाता है। एंड ये एक एंटमैन रेफरेंस है क्योंकि स्कॉट भी अपनी बेटी को पीनट ही बुलाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे हिसाब से इस ट्रेलर और मूवी दोनों में एंटमैन का अच्छा खासा सिग्निफिकेंस होने वाला है। वेल अगर डेडपूल पर वापस आए तो इस पॉइंट पर वो ऑलरेडी टीवीए ज्वाइन कर चुका है क्योंकि उसके पास टीवीए का दिया नया सूट है जैसा कि हमने लास्ट ट्रेलर में देखा था। बट इसकी गन वही पुरानी वाली है क्योंकि इन पर स्माइल वेट फॉर फ्लैश लिखा हुआ है जैसा कि हम इसकी पुरानी मूवी में देख चुके हैं। फिर आता है एक नुन्नू जोक जिसमें वुल्वरीन अपने क्लॉज निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी धीरे धीरे बाहर आते हैं, जिस पर डेडपूल कहता है कि ये विस्की का साइड इफेक्ट है क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा डार्क नाइट राइज नहीं होता। एंड यू नो व्हाट आई मीन बाय डार्क नाइट राइट ब्रो। लेकिन एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि इस मूवी का हिंदी डब इज समथिंग एल्स एंड संकेत मात्र इज टू ओपी। एंड कोई मुझे बताओ विस्की पीने से क्या सच में ऐसा होता है? लाइक आई डोंट ड्रिंक बट आई एम जस्ट क्यूरियस यू नो। देन अगले शॉट में हमें वॉइड दिखाई जाती है जहां पर एक बर्बाद हो चुका 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो पड़ा है और इसी जगह पर एक खतरनाक फाइट होने वाली है जैसा कि हम पिछले ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हैं। देन हमें लोगन अपने येलो सूट में नजर आता है विच इज अ ड्रीम कम ट्रू क्योंकि दिस इज सो कॉमिक एक्यूरेट। हाँ बस स्लीव्स नहीं होती तो मजा आ जाता। एनीवेज तो इसके बाद डेडपूल लोगन से मदद मांगता है क्योंकि हर वो चीज जिससे वो प्यार करता है वो खत्म होने वाली है, जिसका मतलब है शायद उसकी टाइमलाइन इरेज होने वाली है। लेकिन ऐसा तो टेम्पररी उनके ब्लास्ट की वजह से होता है और जहां तक मुझे पता है ये मूवी लोकी सीजन 2 के बाद टेक प्लेस करेगी, विच मींस लोकी ऑलरेडी अपने मल्टीवर्सल थ्रोन पर बैठ चुका है। सो ये क्या झमेला है, प्रूनिंग अभी भी चालू है क्या? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। बट एज यूजुअल वुल्वरीन मदद करने से मना कर देता है जिस पर वेड उससे कहता है Is that what you said when your world went to shit? एंड नेक्स्ट सीन में पैराडॉक्स ये बोलता है This Wolverine let down his entire world. Which makes me wonder कहीं ये ओल्ड मैन लोगन वाला वुल्वरीन तो नहीं है, सिंस दोनों मूवीज के पोस्टर्स भी काफी सिमिलर हैं। क्या है तो फिर डेडपूल और वुल्वरीन के बीच एक फाइट होती है जिसमें डेडपूल काफी अच्छा लड़ रहा है बट देन आउच। एनीवेज तो इसके बाद एक और ऑसम सीन आता है जिसमें हमें फाइनली स्लीवलेस वुल्वरीन देखने को मिलता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है पीछे लगा हुआ ये बोर्ड जिस पर लिखा है लेफील्ड्स जस्ट फीट, जो कि रॉब लेफील्ड को लेकर एक बहुत ही फनी ईस्टर एग है। सो रॉब लेफील्ड डेडपूल के क्रिएटर है जिन्हें अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो कैरेक्टर्स के फीट सही से ड्रॉ नहीं कर पाते। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ठीक ही लग रहा है। आई मीन जैसे फीट्स मैं बचपन में ड्रॉ किया करता था उससे तो काफी अच्छा है ये। इसके अलावा यहाँ पर पीछे एक और बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कॉपर हेड्स, जो कि सरपेंट सोसाइटी को लेकर एक ईस्टर एग हो सकता है क्योंकि ऐसे रूमर सुनने में आए हैं कि कैप्टन अमेरिका 4 में इनके कुछ विलन हमें देखने को मिल सकते हैं। वेल तो ये ट्रेलर आगे बढ़ता है और नेक्स्ट शॉट में जायंट एंटमैन के हेड से एक गंजी औरत निकलती है। पहली नजर में तो मुझे लगा कि ये दी एंशिएंट वन है बट नोप। आगे ये वुल्वरीन पर टेलीकाइनेसिस यूज करती है जिससे काफी लोगों को लग रहा है कि ये प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर्स की फीमेल वर्जन है, बट असल में ये उनकी बहन कैसेंड्रा नोवा है जो कि एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है। खैर तो इस कल वाले सीन में हमें काफी सारे पुराने म्यूटेंट्स भी नजर आ रहे हैं जैसे अजाजिल, लेडी डेथस्ट्राइक और पायरो। एंड इनके अलावा तुमने अगर किसी और को भी नोटिस किया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। देन इसके बाद एक और वुल्वरीन वर्सेस डेडपूल का सीन जिसमें हम देख सकते हैं कि डेडपूल बहुत ही आसानी से वुल्वरीन के क्लॉज को रोक पा रहा है। एंड इसका रीजन ये है कि डेडपूल के पास जो कटानास है वो एडामेंटियम की बनी है क्योंकि इसके अलावा अगर किसी और मेटल की बनी होती तो वुल्वरीन के क्लॉज इसे मक्खन की तरह काट देते। इसके बाद एक सीन में हमें इलाइट भी दिखता है और ये ट्रेलर खत्म होता है एक बहुत ही ऑसम सीन से जहां पर डेडपूल और वुल्वरीन दोनों एंटमैन की आंख से डॉक्टर स्ट्रेंज के एक पोर्टल में जंप कर रहे हैं और यहां पर पीछे हम इलाइट को भी देख सकते हैं जो इन पर अटैक करने के लिए आ रहा है और उससे बचने के लिए दोनों उस पोर्टल में कूद रहे हैं। लेकिन यहां पर असली सवाल ये है कि ये पोर्टल आखिर बनाया किसने? मुझे तो इसका आंसर नहीं पता, हो सकता है नेड ने बनाया हो। फाइन पीटर पार्कर। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इस मूवी को लेकर तुम कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते एक वार्निंग देना चाहूंगा कि ये मूवी अपनी फैमिली के साथ तो देखने बिल्कुल मत जाना क्योंकि पंजा नुन्नू के साइज का हो गया है, उम्र के साथ केले की मूंगफली हो ही जाती है। अपनी कांड से सोचना बंद कर वरना दिमाग में छेद कर दूंगा। चल मेरे साथ।